नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। दोस्तों भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट और हर सरकारी योजनाओं की जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों हम आज बात करने वाले लोक शिक्षा संचालनालय में 124 पदों पर भर्ती निकली है उसकी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। दोस्तों तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट हम वेबसाइट की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सर्च करना है साइड में, यहाँ पर देख सकते हैं साइड मैप। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट पर ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा साइड मैप पर। अब यहाँ पर साइड मैप पर दोस्तों आपको आवेदन करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, इसमें आवेदन जो है वो बिल्कुल निःशुल्क होता है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरियर काउंसलर लोक शिक्षा संचालनालय 11/26/2024 को पोस्ट किया गया था, ठीक है, 11/26/11/2024 को पोस्ट किया गया था। अब देखिए जानते हैं नौकरी के बारे में, ठीक है। आप जैसे पता है कि साइड में पर जो भी नौकरी उपलब्ध रहती है, जो भी जॉब उपलब्ध रहती है वो एक अनुबंध होता है, ठीक है, और अनुबंध का अनुबंध रहता है। और यहाँ पर हम बात करें कि हमारे मध्य प्रदेश का उद्यमिता विकास केंद्र जिसे भी इधर पर साइड मैप के नाम से जाना जाता है, पिछले 3 दशकों से लगातार और अविश्वसनीय रूप से काम कर रहा है। इस संगठन ने एक मेहनती और महत्वपूर्ण सहायक के रूप में कौशल विकास और उद्यमिता विकास में एक मानक स्थापित किया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कैरियर काउंसलर लोक शिक्षा संचालनालय। नौकरी के विवरण की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो विभाग का नाम क्या है, लोक शिक्षा संचालनालय। पद का नाम अगर बात करें तो कैरियर काउंसलर, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता UGC मान्यता प्राप्त विद्यालय मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर, अन्य विषय में स्नातकोत्तर के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ग्रेजुएशन यूनिक एक पोस्ट होनी चाहिए आपके न्यूनतम 1 वर्ष, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस की बात करें तो स्कूलों में करियर परामर्श में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव अथवा प्लेसमेंट ब्यूरो में कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए दोस्तों। और अगर हम बात करें तो इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा तो आपको कक्षा में पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थी को सहायता प्रदान करना होगा। विषय चयन में छात्रों को सहयोग करना है कि आपको 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आपको उसके आगे क्या करना है, ये सभी जानकारी। करियर वार्ता कार्यशाला में एवं सेमिनार एवं करियर मेले का आयोजन आपको करना है। करियर गाइडेंस कार्नर सेट करना आपको, इन सभी साक्षात्कार आपको जो है वो विद्यार्थियों को कराना होगा। नोट, यदि अभ्यर्थी के पास अपेक्षित योग्यता और अनुभव है तो आवेदन अवश्य करें। नौकरी का स्थान की अगर हम बात करें तो विभिन्न जिलों में नौकरी है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस जिले में है, वो सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अलीराजपुर जिला है, टोटल यहाँ पर कितने जिले हैं, 21 जिले हैं, ठीक है, 9 जिले यहाँ पर टोटल आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल 9 जिले में कितने पद हैं, टोटल है 124 पद। खुलने की तिथि यानी कि इसमें आपको लास्ट तारीख नहीं है, जैसे ही आपको पता चले कि इसमें आवेदन निकले आप अगर इसकी योग्यता रखते थे इसको आवेदन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी वेबसाइट है इस पे अगर ज्यादा आवेदन हो गए तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक क्या है क्लोज हो जाएगी। कार्य का अनुभव 1 से 3 साल, वेतन की बात करें तो 10 से 15 हजार रुपया, पद की संख्या है 124, ठीक है, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, कभी भी साइट बंद हो सकती है, इसलिए आप इसमें जितना जल्दी हो सके उतना आवेदन कर सकते हैं। तो मेरी भी इस पर दिलचस्पी है पर आपको क्लिक कर देना अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रिज्यूम अपलोड कर देना है, आपका नाम डाल देना है, उपनाम डाल देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ध्यान से डालना है, सभी जानकारी, आधार नंबर डाल देना है, शैक्षणिक योग्यता डाल देना है, कार्य अनुभव डाल देना है, कितनी आपको सैलरी मिली वो डाल देना है। सभी जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ पर आवेदन जमा कर देना है, आपका आवेदन हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो इसी प्रकार की योजनाओं की जानकारी या फिर भर्तियों की जानकारी देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, उससे भी हमसे जुड़ सकते हैं। वेबसाइट से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।